काम जिंदा नहीं रहेगा। ये विषमता की पराकाष्ठा क्यों है? इस पर अगर हम देखें तो हमें कई चीज़ें लगती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, कई लोगों ने बात कही है कि आज लड़की समाज के लिए जो अभिशाप बन गई है या बनती जा रही है। जितना शादी में नहीं दिया उससे शादी के आडंबर पर खर्च हो रहा है। कितने कितने लाख रुपया लोग बर्बाद करते हैं। कब कानून बना था? एक बार कानून बना, कानून बना कि इतनी संख्या निर्धारित होती है शादी ब्याह का माने संबंधित कुटुंब। अब कुटुंब की नहीं, पूरे शहर को आप आमंत्रित करिए और 5 सितारा होटल में करिए। 5 सितारा होटल का खर्चा अनुमान लगाइए कितना होगा। और वो लोग वहाँ जा रहे हैं जो लोगों ने कानून बनाया। अभी अभी रेल मंत्री की लड़की की जब शादी हुई, कौन नहीं गया? प्रधानमंत्री से लेकर के कौन नहीं गया? पक्ष और विपक्ष, कहाँ से पैसा आया, क्या पैसा लगा? तो फिर लालू की नकल करने के लिए जब आज आपको करेगी तो ये करने वाला, क्योंकि ये लालू की बराबरी चाहते हैं। इसलिए समाज में बराबरी का दर्जा जिस दिन गिर रहा होगा उस दिन लड़की को हटा देना जरूरी होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस सामाजिक मुद्दे को कानून से तय नहीं, कानून बन जाएगा। जो लोग समता और समानता की बात करते हैं वो लोग आज के 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया 33% महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले जो नहीं पास हुआ। आज तथाकथित प्रगतिशील या वामपंथी ताकतें जो इसकी बहुत हल्ला मचाती हैं समतामूलक समाज के लिए कि महिलाओं की समतामूलक समाज बनाया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए, या तो वो मौखिक रहे या उसमें कहीं जुड़े नहीं, वरना क्या कारण है 10 साल से लागू नहीं हो रहा, कानून की शक्ल नहीं ले रहा। और कानून की शक्ल ना ले, अपनी शक्ल बदल दो तो सबको बदल जाए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था 100 में पिछले पावे 7। हम लोग कमेटी, स्टेट कमेटी की बैठक हो रही थी, बैठे थे हम कमेटी के सामने, जो कमेटी बनाई गई डॉक्टर लोहिया के सामने रखी गई, उन्होंने चीर के फेंक दिया। कहाँ है महिला, कहाँ है 7 का आरक्षण का सवाल? चीर के फेंक दिया, लाओ 7 की बना के लाओ तो ये पास कर लो। डॉक्टर लोहिया गए समाजवादी पार्टी के जस्टिफिकेशन। आज हम कहते हैं कानून बने या न बने, अगर हर दलील तय कर ले कि हम 33% का अवसर महिलाओं को विशेष अवसर अपने दल में देंगे, तो ये नहीं कर पूरा अपने यहाँ तो 5 महिलाओं को नहीं दोगे। तो कानून बनाना चाहते हो कि हमको 33 इनको मिल जाए, आप बनाइए। कांग्रेस शुरुआत करें, हर दल शुरुआत करें कि 33% महिलाओं का संगठन में लेकर के सरकार करने हम भागीदारी देंगे, जहाँ जिसकी सरकार नहीं होगा। तो समतामूलक समाज बनाने के लिए जो विषमता का फायदा की जा रही है इसके बड़े दुरुपरिणाम होंगे, बड़े भयंकर परिणाम होंगे। नारी वैसे भी एक खिलौना समझी जाती थी, अब नारी एक टिकाऊ खिलौना होगी जिसको ताकत के साथ लोग खरीद सकेंगे, और यह हमारे समाज के लिए एक अच्छा। लेकिन हम इसको कहना चाहता हूँ कि जो महिलाएँ इसमें लगी हुई हैं, महिलाओं का सवाल नहीं है, ये समाज व्यवस्था का है। इसमें कोई महिला का ही आंदोलन चलाने की बात नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक आंदोलन है। इसमें सभी वर्ग, जात, धर्म, संप्रदाय के लोगों को जुटना पड़ेगा
और सवाल इस बात का है कि उनकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा कि लड़की और लड़के में भेद न किया जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई उसकी देखभाल माँ की पूछो। पूछता हूँ जो मान रखी है कि अगर एक लड़की एक लड़का है, तुम्हारे द्वारा किसी में विषमता है कि नहीं है? अगर लड़के को एक पाव दूध मिलेगा तो लड़की के लिए एक पाव दूध निर्धारित करना अपवाद होगा अगर किसी का निर्धारित हो। क्यों? दो ही बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, तो उसका की मानसिकता नहीं खराब, ये मानसिकता उसके भी खराब है जिसने अपने पेट से बच्चे को जन्म दिया है। उसको लड़के के प्रति ज्यादा लगाव है, लड़के के प्रति ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि शायद ये बुढ़ापा में हमारी मदद करे, लड़की पढ़ाए, लड़की ये बुनियादी सोच है। लड़की को पैदा होते ही हम पराए घर की मान लेते हैं, अपने घर की नहीं मानते हैं। ये जो पराया मन आ जाता है वो माँ में भी आ जाता है, बाप में भी आ जाता है, और लड़के में अपनत्व तो आ जाता है। इसलिए शायद बुढ़ापा में मदद, अब कोई किसी कोई मदद नहीं करता है, ये सामाजिक व्यवस्था है और इसमें कोई मदद नहीं करता है, तब रोता है। जो हमने जो पढ़ाया लिखाया समझाया, अब अभी बड़ा गर्व है, लड़का अमेरिका में, लड़का कनाडा में, लड़का अमेरिका में, और घमंड है, समाज अच्छा बच्चा पैदा कर रहे हैं। हाँ, बस तब क्या करेंगे, आपको तार ही जाएगा और तीन सीढ़ी के जगह पांच सीढ़ी रख करके केवल मुर्दा शरीर देखने के लिए लड़का है। कहाँ रह गया तुम? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लड़का जी को और ये महिला समर्था का जो संगठन है इनको बधाई देता हूँ, और विशेष रूप से बलवान सिंह को देता हूँ कि उन्होंने मुझे लेकर के ये अवसर प्रदान किया कि आपके बीच में इस पर चर्चा में भाग ले सकूँ। आप लोगों ने भी जो था इसे सुना, आप इस लड़ाई के जरिए मेरे जैसे लोग तन मन धन से आपके साथ हैं, कहीं आप अगुवाई करेंगे, कहीं आप पीछे चलेंगे, आप बनिए हमारे साथ में। धन्यवाद। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगी केके जी से और रेणु जी से कि वो मंच पर आ जाए, तो कि वो आए और अपनी बातों को जितने कम शब्दों में रख सके। नारी समर्था ट्रस्ट के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बहुत ही विद्वान नेता और समाज सुधारक आदरणीय श्री बलवान सिंह यादव जी, इस कार्यक्रम की संयोजक नारी समर्था संस्था की अध्यक्षा, मंच पर बैठे हुए एक से एक बड़े विद्वान साथीगण बहने, मेरे सभी साथियों, बहुत ही चिंता का विषय है महिलाओं की संख्या कम हो रही है। इस संबंध में विस्तार से हमारे आयकर अधिकारी महोदय बता रहे थे, पढ़ के सुना रहे थे, बहुत सारे प्रदेशों के बारे में उन्होंने अलग अलग बताया, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, कुछ की समझ में आया कुछ की समझ में नहीं आया, लेकिन उनका भाव सबकी समझ में आया कि ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, किसी एक जिले में नहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने में है, सभी जगह है। इसलिए आप एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान खोजने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक राष्ट्रीय समस्या का समाधान निकालने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और जो नया कानून बना है उसके संबंध में जानकारी देने के लिए हमारी बहनें आई हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं, अपने ढंग से उन्होंने कानून के बारे में बताया, लेकिन मुझे मेरी भी जिज्ञासा थी कि जानने की
तो वो कानून क्या है और उस कानून में क्या सजा है, क्या प्रावधान है, उसके संबंध में भी कुछ बोला नहीं गया, शायद इसके बाद बोला जाएगा। पहले ही कह दिया है हमारी बहन ने कि बहुत थोड़ा बोलना है, सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पर बहुत समझ, बहुत सोच समझ करके बोलने की आवश्यकता है। और बहुत ज्यादा भाषण की आवश्यकता भी नहीं है, सभी जानते हैं कि नारी के अस्तित्व से पूरे समाज का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। नारी नहीं रहेगी तो भी समाज नहीं रहेगा। गलत काम लोग क्यों करते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता। कोई महिला जाकर के भ्रूण हत्या करवाती है तो उसे खुशी नहीं होती, उसके मन में भी बहुत डर होता है, तमाम तमाम प्रकार की उसकी अलग अलग उस वक्त चिंताएं होती हैं। कुछ काम मजबूरी से होता है। इस देश में पेट के अंदर के बच्चों बच्चे को ही नहीं मारा जा रहा। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां क्या कारण है, ये सोच शुरू से बहुत लंबे समय से मुझे लगता है कि कई बहुत युवा युवाओं से नारी का दर्जा पुरुष से बहुत छोटा करके रखा गया है। जिस महिला के पेट से बच्ची पैदा होती है उसको कितनी प्रताड़ना मिलती है, उसके घर के लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं, उसका पति उसको किस दृष्टि से देखता है। इन सारी दिक्कतों की वजह से उसे ऐसा लगता है कि लड़की पैदा हुई तो समस्या पैदा हो गई, लड़का पैदा हो गया तो समस्या हल हो गई। कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि इसलिए लड़कियों को मारा जाता है। विषय तो यहां जैसा बहन जी ने कहा था भ्रूण परीक्षण कानून से संबंधित है, लेकिन भ्रूण परीक्षण कानून बनाने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी अगर लोगों की जिज्ञासा ना हो लड़का है या लड़की है तो भ्रूण परीक्षण, और लड़की है यह भी निश्चित है, इसीलिए भ्रूण परीक्षण कराने के लिए पैसा खर्च करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। पहले लोगों के मन में थोड़ा भय था कि भगवान की देन है ये संतानें, अगर हमने इसमें कुछ छेड़छाड़ की तो ईश्वर नाराज हो जाएगा और हमें नरक में जाना पड़ेगा, हमें भगवान दंड देगा। अब ईश्वर का है लोगों में कम हुआ, जागरूकता बढ़ी है। डॉक्टरों को ठीक, डॉक्टरों को दूसरा भगवान कहा जाता है, उनका दर्जा दूसरे भगवान का है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो इस तरह का काम करने में कम डरते हैं। वो कहते हैं हमें भगवान क्या सजा देगा, हम भी तो भगवान हैं। ये सही है कि अस्पतालों में डॉक्टर इस पर अंकुश लगाएं तो ये भ्रूण परीक्षण का जो काम है वो काफी हद तक रुक सकता है। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है इसको रोकने की, केवल मरीज को बचाने की नहीं पूरे समाज के को बचाने की ये बात है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी है बहुत बड़ी।
लेकिन केवल डॉक्टर ही नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिसको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है वो सारे लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। पुलिस को जिम्मेदारी है, मिलती है लोगों की सुरक्षा की, उसमें भी दोष है। डॉक्टरों को चिकित्सा की, उसमें भी दोष है। शिक्षकों को शिक्षा की और समाज सुधारकों को समाज सुधार की, राजनेताओं को पूरे राष्ट्र की, कहीं न कहीं सभी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अगर इस तरह की बुराई को रोकना है तो निश्चित तौर पर हम सबको अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना होगा, सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी को समझ करके उस दिशा में कुछ करना होगा, तभी हम इस तरह की बुराइयों को रोक सकते हैं। इसमें मेरा मानना है जातिवादी व्यवस्था भी बहुत हद तक दोषी है। सामाजिक व्यवस्था, लड़की पैदा हो गई, बड़ी हो गई, उसके लिए लड़का ढूंढना, वर ढूंढना बहुत मुश्किल है। मोहल्ले में ही, गांव में ही योग्य लड़का है, शादी की जा सकती है, लेकिन वो जाति का नहीं है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बिरादरी का ही होना चाहिए। तो बहुत दूर दूर तक दौड़ना और फिर उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, उसके कारण से जो समस्याएं पैदा होती हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि उनका दोष नहीं है। जो ये इस काम, जो महिलाएं मजबूरी में भ्रूण परीक्षण कराती हैं और इसमें बाद में अगर लड़की है तो उसकी हत्या तक करवा देती हैं, हम उनकी कुछ मजबूरी भी है, मजबूरी के कारण बहुत सारी बुराइयां पनपी हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से डॉक्टर फोड़े का ऑपरेशन करता है, तो अंदर तक जब तक उसकी कील होती है, जहां जिसके कारण से फोड़ा बना है उसको नहीं निकाल देता है, तब तक वो उसके अंदर तक औजार डालता ही रहता है, तब तक उसको काटता रहता है। उसी तरह से हमें इसकी जड़ को ढूंढना होगा और उस जड़ को उखाड़ करके फेंकना होगा, तभी इस समस्या का निदान हो सकता है। कुछ लोग इस समस्या के, क्योंकि अभी बहन जी ने कहा है बहुत कम समय है और आप बहुत कुछ हो गया जी, इसलिए मैं दो पंक्तियों में जो मैंने अभी लिखी है अपनी बात कहकर के अपने स्थान पर बैठूंगा। नारी ही जब मिट जाएगी कौन बचे, उनको बचाने की कोशिश की है। जननी के जन्म की विरोधी नहीं जननी, और ममता की मूरत है क्रोधी नहीं जननी। समाज बोलता है तो बोलता रहे भला, किंतु है समाज की प्रतिरोधी नहीं जननी। जय। प्रेम प्रकाश सिंह जी आएंगे, जो HRLN है उत्तर प्रदेश के, जो हमको उत्तर प्रदेश में कन्या जन्म दर की घटती स्थिति
स्थिति के बारे में बताएंगे। और इनके बाद हमारा लंच टाइम हो जाएगा और लंच के बाद सब लोग यहीं पे रहेंगे क्योंकि हमारे बीच में अनुभा जी, रेणू जी और के जी आएंगे। अनुभा जी मेनली पीसी पीएनडीटी एक्ट के मुख्य विशेषताओं के बारे में बताएंगी, रेणू जी भावी योजना के बारे में और के राय जी रूढ़ परीक्षा से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के समीक्षा के बारे में बताएंगे। तो प्लीज आप लोग कहीं जाइएगा नहीं और इनकी बातों को सुनने के बाद लंच करने के लिए और उसके बाद आगे की क्लास के लिए पूरा तैयार रहिएगा। मित्रों, हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ की बात रखनी है तो उत्तर प्रदेश की दुनिया में क्या स्थिति है थोड़ा उस पर हम बात रखेंगे। आज जहां पूरे विश्व में 1000 पुरुष पर 985 महिलाएं हैं, पूरी दुनिया का जो आंकड़ा है औसत जो है 1000 पुरुष पर 985 महिलाएं हैं, भारत में ये 1000 पुरुष पर 935, ये 2001 की जो आंकड़े हैं जनसंख्या जनगणना के उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 2001 की जनगणना के आधार पर भारत में 1000 पुरुष पर 935 महिलाएं हैं। वहीं हमारे उत्तर प्रदेश में 2001 की जनगणना के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि 1000 पुरुष पर 898 महिला, जो हमारा राष्ट्रीय आंकड़ा उससे भी हम काफ़ी नीचे हैं। एक तरफ तो हम बहुत गर्व से कहते हैं कि इस देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का बहुत विशिष्ट स्थान है, हम करीब करीब 16% सांसद लेते हैं, अपने यहाँ से 80 सांसद चुन के भेजते हैं, 24 राज्यसभा सदस्य भेजते हैं, जनसंख्या के हिसाब से हमारे प्रदेश का प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से हम बाकी उत्तरांचल में जाने वाले पांचवें स्थान पर, ये तमाम सारी विशेषताएँ हैं उत्तर प्रदेश की। लेकिन वही दूसरा पहलू ये है कि जब हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो हम 25वें स्थान पर हैं, हमसे ऊपर 24 प्रदेश हैं, कुल प्रदेश 28 हैं इस देश के, उसमें हमारा स्थान 25वें नंबर पर आता है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम वो पिछले राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उनकी स्थिति हमसे बेहतर है। हम दावा करते हैं हमने सबसे पहली महिला उस प्रदेश की स्थिति क्या है। आज देश की राजनीति में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले श्रीमती इंदिरा गांधी इसी प्रदेश से नुमाइंदगी करती थी, इसी प्रदेश की रहने वाली थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, हम लोग बहुत ही सरलीकृत रूप प्रस्तुत करते हैं कि इसका कारण आर्थिक और अशिक्षा, गरीबी और अशिक्षा के थ्रू बहुत क्या है कि आसानी से कि गरीबी दूर हो जाएगी फिर लिंग अनुपात जो है वो ठीक हो जाएगा, शिक्षित हो जाएंगे लोग तो ये संतुलन ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं दोनों बातों का मित्रों यहाँ पे खंडन करता हूँ। हमारे प्रदेश को मुख्य रूप से दो भागों में देखा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश की छवि चाहे एक निर्धन और अशिक्षित हिस्से के रूप में प्रस्तुत की जाती है और दूसरी तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कहता है हम कमाते हैं और पूर्व के लोग खाते हैं, वो ज़्यादा संपन्न है, शिक्षित भी ज़्यादा है। लेकिन स्थिति क्या है, इस लिंग अनुपात को हम कैसे इस गरीबी और अशिक्षा से जोड़ के देख सकते हैं। हमारा आजमगढ़ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है वहाँ 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं, आजमगढ़ में 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं, इसका मतलब कि लिंग अनुपात जो है महिलाओं के पक्ष में है। दूसरे नंबर पे जौनपुर जिला आता है, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पे सॉरी आजमगढ़ में 1026 है और जौनपुर में 1021, 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं, और देवरिया वहाँ पे 1003 महिलाएं हैं। ऊपर से जब हम 10 प्रदेशों को 10 जिलों को देखते हैं तो सारे 10 जिले जहाँ लिंग अनुपात ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, आजमगढ़ नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर जौनपुर, नंबर 3 पर देवरिया, नंबर 4 पर मऊ जहाँ लिंग अनुपात 984 है 1000 पुरुष पर, प्रतापगढ़ जहाँ 983 है 1000 पुरुष पर, सुल्तानपुर वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है वहाँ पर 980, अम्बेडकर नगर 977, गाजीपुर 974 और कुशीनगर 961, जो 10 जिले जहाँ पे कि लिंग संतुलन
महिला और पुरुष का सबसे अच्छा है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता है, और वही पश्चिम उत्तर प्रदेश जो 70वें नंबर पर है, सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला शाहजहांपुर है, बदायूं है, मथुरा है, गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, बागपत, जहाँ से कि हरे प्रदेश की आवाज उठ रही है कि संपन्नता और विपन्नता के आधार पर कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सारा धन तो पूर्व वाले हड़प लेते हैं, इसलिए हम अपना राज्य अलग राज्य बनाएंगे। वहाँ की स्थिति, उस बागपत की स्थिति ये है कि वो 63वें नंबर पर। तो मित्रों, जो ये विकास प्रश्न है और इसका श्रेय में यहाँ उपस्थित जो महिलाओं की संख्या है और जिस तरह के यहाँ महिला संगठन काम कर रहे हैं उन्हें दूंगा कि जहाँ 91 में कानपुर नगर का जो पूरे प्रदेश में जिले का अनुक्रम है उसमें उसका हिस्सा 60वें स्थान पे था लिंग अनुपात के मामले में। वहाँ वो 2001 की जनगणना के आधार पर 44वें स्थान पे आ गए। इसका मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये क्रेडिट आप लोगों को है, शायद आप लोगों ने इस दिशा में कुछ कार्य किए होंगे। और आपके पड़ोसी जिले जो कानपुर वो वहाँ की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। वो 8/36 के आंकड़े के हिसाब से 1000 पुरुष पर 8/36 महिलाएं थी और उनका स्थान था 51 स्थान पे थे, 91 स्थान पे। हालांकि लिंगानुपात बढ़ा है, अब 2001 की जनसंख्या के आधार पर उनका संतुलन हुआ है 856 2001 के आधार पर 1000 पुरुषों पर 856 महिलाएं। लेकिन ये लिंग अनुपात का जो अनुक्रम है पूरे प्रदेश के जिलों को उसमें 58 स्थान पर पहुंच गए, इसका मतलब ये 7 स्थान नीचे गए। तो अन्य जिलों में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो इस दिशा में आप लोगों को प्रयास करना होगा। तो साथियों, मेरा जो भी चीज़ों में समय भी कम है, ये था कि जहाँ हम कोई समस्या होती है तो उसका एक आसान सा वो बता देते, कारण बता देते हैं कि अरे इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और हम लोग सामान्य बातचीत में जहाँ भी जाते हैं तो लोग कहते हैं लिंग अनुपात तो सब गरीबी है, दहेज नहीं दे सकते, इसलिए मार डालते हैं कन्याओं को पैदा होने से पहले और जांच कराते हैं। दूसरा ये इंसान हम शिक्षित नहीं इस वजह से। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये दो कतई कारण नहीं है। अगर ये कारण होते तो पूर्व और पश्चिम इस तरह का संतुलन क्यों होता? पश्चिम ज़्यादा शिक्षित है उत्तर पूर्व की वनस्पत, ज़्यादा संपन्न है पूर्व की वनस्पत, लेकिन वहाँ पे जो लिंग अनुपात जो संतुलन है वो पूर्व से पूर्व की अपेक्षा कमजोर है। तो इस सेमिनार के माध्यम से और भी कई इधर हाल के महीनों में हम लोगों ने किए हैं, हमारा एक सवाल है कि इसका निदान क्या हो सकता है, इसके बारे में आप लोग सोचना है। एक खास तरह का माइंड सेट है, एक मना स्थिति है जिससे हमें आपको लड़ना होगा। तो समय में तो कम है, हम यहीं पर अपनी बात विराम देते हैं। धन्यवाद। जो इस कार्यक्रम से पहले हम लोगों ने अनाउंस किया था कि रेणु जी बोलेंगी, उससे पहले कानपुर शहर के एक मशहूर ट्रेड यूनियन लीडर हैं, वो 2-3 मिनट का वक्त लेंगे और श्री राम जी से हम अनुरोध करते हैं कि आए और भ्रूण परीक्षण कानून पर जो यहाँ कानपुर की स्थिति है, जो कानपुर की सामाजिक स्थिति है, उस पर अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे श्री राम सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष